तभी परफेक्ट एप्पल की नजर उस पर पड़ती है, पर वो झट से पानी के अंदर छिप जाती है और वो उसे नहीं देख पाता। थोड़ा दूर पर खड़ी कुछ लड़कियां परफेक्ट एप्पल की तारीफ कर रही होती है, जिसमें पता चलता है कि परफेक्ट एप्पल वैसे तो बहुत केयरिंग टाइप है, पर जब काम की बात आती है तो उसे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं। साथ ही वो लोग निब्बियों जैसी भी बातें कर रही होती है, लाइक वो कितना परफेक्ट है, कितना सेक्सी है यार, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अपना परफेक्ट एप्पल भी उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और खुद में ही फुल के कचौड़ी हो रहा होता है। तभी शिक्यू की नजर फिर से उस पर पड़ती है और इस बार वो उसकी पूंछ देख लेता है। हाँ, मछलियों के पीछे वाले भाग को पूंछ ही कहते हैं ना। खैर जो भी हो, वो उसे एक बड़ी मछली समझ लेता है और उसकी फोटो लेने के लिए अपना फोन निकालता है, पर डिसबैलेंस होकर गिर जाता है और माथे में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और पानी में गिर जाता है। अब इतना शानदार मौका ये निब्बे जलपरी कैसे छोड़े भला।